हाय, दिस इज शिवांगी देसाई। मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आप आपके गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्यों गट हेल्थ? 70% आपकी जो इम्यूनिटी है ना, वो आपकी गट हेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि आपका पूरा डाइजेशन सिस्टम। हिपोक्रेटस ने कहा है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक सेंटेंस में कहा था कि ऑल डिसीजेज कम फ्रॉम गट। मेन जितनी भी बीमारियां हैं ना, ज़्यादातर बीमारियां, या मैं कहूँ ऑलमोस्ट सभी डिसीजेज जो है ना, वो कहीं ना कहीं गट हेल्थ से ही पैदा होती है। वो हो सकता है मे बी कॉन्स्टिपेशन जैसी मामूली चीज़, एसिडिटी, या इवन डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़। ये बड़े बड़े इश्यूज़ भी कहीं ना कहीं गट हेल्थ के साथ कनेक्टेड है। जो इंसान गट हेल्थ को इम्प्रूव कर देता है, वो इंसान अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने ही वाला है। बिकॉज सी, आपका जो ईसोफेगस पाइप है, या आपका जो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, और ये पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपको दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक लौता ऐसा ऑर्गन है जिसे गट हेल्थ इन शॉर्ट कहा जाता है। वो डायरेक्टली आउटसाइड एनवायरनमेंट के संपर्क में आता है। कैसे? खाने के द्वारा। आप जो खाना डालते हैं बाहर से, वो डिसाइड करता है, या तो वो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, या तो वो उसे डिस्ट्रॉय करता है। कैसे? आपके गट हेल्थ में 100 ट्रिलियन से भी ज़्यादा बैक्टीरिया है। उसमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं जो बुरे बैक्टीरिया है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो हम खाना खाते हैं, जैसे खराब खाना खाएंगे तो अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया कौन ग्रो करेंगे? बुरे बैक्टीरिया ग्रो करने वाले हैं। बट अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे, ऐसा खाना कि जो लाइव फूड है, रॉ फूड है, अल्कलाइन फूड है, वो सारा खाना आपके अंदर अच्छे बैक्टीरिया को ग्रो करवाने वाला है, और इसीलिए आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव करवाने वाला है। नाउ देखिए, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कभी भी वो रूट कॉज में नहीं जाते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ सिम्टम को क्योर करते हैं। कॉन्स्टिपेशन हुआ, मतलब बस कोई एक लैक्सेटिव, कोई भी दवाई ले लेंगे और अपने कॉन्स्टिपेशन को दूर कर देंगे, टेम्पररी सप्रेस कर देंगे। उसके बाद अगर किसी को एसिडिटी होती है, तो एक्चुअली कोई गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के बारे में लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से नहीं सोचता है। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, बस एंटासिड्स ले लेते हैं और टेम्पररी सोल्यूशन ला देते हैं, दूध पी लेते हैं तो उनका एसिडिटी चला जाता है। सो वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आप लेंगे ना, लॉन्ग टर्म आपको कभी भी राहत नहीं होने वाली है। हमेशा आपको रूट कॉज के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। एंड आई बिलीव आप में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ये टॉपिक आप सभी के ऊपर अप्लाई होने वाला है। बिकॉज हमने आज, मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं अपने गट हेल्थ को बिगाड़ा हुआ है कुछ ऐसी चीजें करके, कि जो बहुत मामूली चीजें हैं जो हम सभी करते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर जो बैक्टीरिया है, खराब टाइप के बैक्टीरिया, वो और ज्यादा ग्रो हो चुके हैं। नाउ इसे और ज्यादा समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल। हर एक चीज का एक सेंटर होता है, और वो सेंटर, उसे पायरा सेंटर कहा जाता है, क्योंकि दैट इज द मोस्ट एनर्जेटिक पार्ट ऑफ द होल थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा हाथ है, ये हाथ में सबसे सेंटर में ये है, और इसलिए ये सबसे पावरफुल है, ये इसका पायरा सेंटर है। अगर मैं इतनी उंगली की बात करूं, तो इसमें ये जो है, ये पायरा सेंटर है। या अगर आप सोलर सिस्टम की बात करें, तो सोलर सिस्टम में सेंटर में कौन है? सन। दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट पावरफुल। और इसीलिए जो भी सबसे सेंटर में होता है, वो पावरफुल होता है। रेकी बोलो, प्राणिक हीलिंग बोलो, या कोई भी हीलिंग थेरेपी, ज्यादातर एनर्जी ऐसे दी जाती है। इवन जब आप आशीर्वाद देते हैं, तो ये क्यों करते हैं? बिकॉज यहां से एनर्जी निकलती है। सो पूरा आइडियाज जो है ना, वो है अबाउट सेंटर। नाउ बॉडी की बात करें, तो आपके बॉडी में भी 7 चक्रा है। उसमें सेंटर में जो नेवल चक्रा, नेवल के आसपास का चक्रा, मणिपुर चक्रा, वो सबसे पावरफुल है। और इसीलिए जब कोई भी इंसान का जन्म होता है, बेबी का जन्म होता है, तो वो उसके मदर के नेवल के साथ कनेक्टेड है, बिकॉज वो ही सोर्स ऑफ एनर्जी है, पूरे बॉडी को वही चलाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर पेट खराब, अगर नाभि में कुछ प्रॉब्लम है, तो पूरा शरीर खराब, हेल्थ खराब। इसीलिए बॉडी में जब ये पायरा सेंटर है, आपका नाभि, आपका गट हेल्थ, तो सबसे ज़्यादा उसी का ख्याल रखना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जो आप सभी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला तो गट हेल्थ का 3 मेन फंक्शन है। सबसे पहला,
वो कोई भी खाने में से एनर्जी प्रोवाइड करता है, गट हेल्थ प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो भी खाना खाएंगे वो ब्रेक डाउन होता है आपके गट में। दूसरा, आपका गट हेल्थ जो भी न्यूट्रिएंट्स है, आप जो भी खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स और पानी एब्जॉर्ब करता है, हर एक सेल में पहुँचाता है, वो बेसिकली वहाँ पर ब्रेक डाउन होकर वापस यू नो ब्लड के माध्यम से या अलग अलग माध्यम से वो जाता है हर एक सेल में। तीसरा जो है उसका मेन फंक्शन वो है, वो वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। नाउ पांच चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका डाइजेशन, आपको कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी होती है, गैस, ब्लोटिंग, इवन किसी को एक्सट्रीम कंडीशन में लीकी गट, आपने अगर सुना हो लीकी गट का इश्यू होता है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस से लेकर जो भी सेंसिटिविटी है, या इम्यूनिटी डाउन हो जाना, बार बार बुखार आ जाना, अभी मॉनसून का सीजन है तो कभी भी वायरस लग जाना और कभी भी फीवर आ जाना, ये सारे जो भी इश्यूज हैं ना, ये आपके गट हेल्थ के साथ मेनली जुड़े हुए हैं। पांच चीज़, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है, ज़्यादातर रेगुलर केसेस में प्रीबायोटिक फूड्स लीजिए और ऐसे खाने खाइए जो फर्मेंटेड है। फर्मेंटेड और प्रीबायोटिक फूड क्यों लेने हैं, क्योंकि उसके अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो आपके अंदर बॉडी के जो हेल्दी बैक्टीरिया है उसे वो फीड करता है, यानी कि वो उसे ग्रो करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, दही आपके खाने में, घर पे बना हुआ दही, मार्केट में से लाया हुआ नहीं, घर पे बनाया हुआ दही आप रेगुलर बेसिस पर खा सकते हैं, मे बी एक कटोरी आपने लंच में ले लिया, और उसके अंदर ज़्यादातर एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे कहा जाता है लैक्टोबैसिली। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है स्पेशली कर्ड में जो पाया जाता है, जो आपके अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया है, जो माइक्रोबायोम जो आपका पूरा है उसे इम्प्रूव कर देता है। सो वो लीजिए। उसी के साथ साथ कुछ फर्मेंटेड चीज़ें आप ले सकते हैं। कौन कौन सी, जैसे आप साउथ इंडियन जो भी आइटम्स है, डोसा, इडली, यू नो उत्तपम, या इवन ढोकला है, हांडवा, ये ऐसी सारी चीज़ें हैं कि जहाँ चीज़ें फर्मेंट होती है और वो बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो करवाता है, जिसकी वजह से आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव होती है। इवन आप घर पर बनाया हुआ हेल्दी अचार भी ले सकते हैं। कभी कभी आप मार्केट में जो हल्दी के रूट मिलते हैं, अदरक के रूट्स मिलते हैं, उसे थोड़ा सा कट करके आप उसके अंदर नींबू और सॉल्ट डाल के फ्रिज में रख दीजिए और फिर दो तीन दिन के बाद आप उसे रेगुलर बेसिस पर खा सकते हैं। ये घर पे बनाया हुआ आसान सा अचार हो गया। सो आप इसे रेगुलर बेसिस पर इंक्लूड कीजिए। यह है सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है, ऐसी चीजें खाइए जो फाइबर में रिच है। फाइबर रिच फूड क्यों खाना है, क्योंकि फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उसे डाइजेस्ट नहीं करता है, आपका बॉडी, आपके सेल जो है ना वो उसे डाइजेस्ट नहीं करेंगे, बट जो आपका गट हेल्थ है, यानी कि आपका जो बैक्टीरिया है वो उसका फूड है, फाइबर उसका फूड है। फाइबर की वजह से अच्छे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। फाइबर किस में से मिलेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट, खाने में हर रोज सैलड होना ही चाहिए, सैलड, रॉ सैलड होना ही चाहिए। उसी के साथ साथ आप होल ग्रेन्स खा सकते हैं, रिफाइंड को छोड़कर, मतलब आप लेट से फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर जो लोग मैदा खाते रहते हैं, बिस्किट खाते रहते हैं, ब्रेड खाते रहते हैं, उसके बदले इवन रोटी में भी आप जवार, बाजरा, रागी, बाजरा वैसे आपको ज़्यादातर विंटर्स में लेना चाहिए, बट उसके अलावा जव, जवार, रागी, मकाई, ऐसे सारी यू नो मिलेट्स या ग्रेन्स, होल ग्रेन्स खा सकते हैं। उसी के साथ साथ फ्रूट्स ऐड ज़रूर कीजिए, फ्रूट्स हमेशा, फ्रूट जूस नहीं बट होल फ्रूट्स, उसके अंदर फाइबर बहुत अच्छा होता है, अलग अलग फ्रूट में अलग अलग फाइबर और अलग अलग बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए यू नो उसे अच्छे से न्यूट्रिएंट भी मिलेगा और फाइबर भी मिलेगा। तो अलग अलग टाइप के फ्रूट्स ऐड कीजिए, जैसे एप्पल है, या इवन कुछ फ्रूट्स और कुछ होल ग्रेन्स जिसमें, जिसके अंदर बिफिडो बैक्टीरिया, अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया आपके गट हेल्थ के लिए है बिफिडो बैक्टीरिया, वो उसके अंदर से मिलता है। तो रेगुलर बेसिस पर होल ग्रेन्स, सैलड, यू नो, और ऐसी चीज़ें कि जो फाइबर से भरी हुई है, फ्रूट्स, उसे ऐड कर दीजिए। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है क्वालिटी स्लीप के ऊपर फोकस कीजिए। आप बॉडी जो है वो तो सर्केडियन रिदम फॉलो करता है, डे एंड नाइट, लाइट एंड डार्कनेस के ऊपर काम करता है, बट आपका जो गट हेल्थ है वो भी एक सर्केडियन रिदम को काम करता है, तो उसे भी सोने की ज़रूरत होती है। दिन में आप पूरी रात 7 to 8 hours of sleep, क्वालिटी स्लीप ले वो ज़रूरी है, क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है।
डीप क्वालिटी स्लीप जरूरी है। तो 7 से 8 घंटे सोइए, गट हेल्थ ऑटोमेटिकली जो खराब बैक्टीरिया है वो कहीं ना कहीं उसे हम कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं जब हम अच्छी क्वालिटी लेते हैं और अच्छे बैक्टीरिया ग्रो कर पाते हैं क्वालिटी स्लीप की वजह से। चौथी चीज जो आपको करनी है, 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी वीक। हर हफ्ते 150 मिनट्स एक्सरसाइज होनी चाहिए, यानी कि अगर आधा घंटा आप एक्सरसाइज हर रोज करते हैं तो 5 दिन आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसकी वजह से आपके बॉडी में जब मूवमेंट बढ़ता है तो आपके बैक्टीरिया को हमेशा खुशी मिलती है, आपका गट हेल्थ हमेशा स्माइल करता है जब आप बॉडी को मूवमेंट देते हैं। 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर वीक। और जो आखिरी और पाँचवीं चीज़ करनी है वो है, आपको हमेशा स्लो खाना है। जब आप फास्ट खाते हैं ना, भले ही सैलड खाए, भले ही आप कोई भी हेल्दीएस्ट चीज़ खाए, फाइबर रिच फूड खाए, फर्मेंटेड चीज़ खाए, प्रीबायोटिक फूड्स खाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप फास्ट खा रहे हैं। तो हमेशा चीज़ों को बराबर च्यू करके खाइए, बिकॉज डाइजेशन ऑलवेज स्टार्ट्स इन द माउथ। और जब आप डाइजेस्ट उसे यहाँ पर ही आधा कर देते हैं, उसके बाद आपके माइक्रोबायोम, आपके गट हेल्थ, आपके इंटेस्टाइन्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वॉल, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। अदरवाइज क्या हो जाता है कि अगर हम उसे प्रॉपरली च्यू नहीं करते हैं और ऊपर से ऐसी सारी चीज़ें बॉडी में डाल देते हैं जो प्रोसेस्ड है, एसिडिक है, उसकी वजह से आपका जो गट है ना, उसके ऊपर गट लाइनिंग होता है, वो गट लाइनिंग धीरे धीरे करके वो डिस्टर्ब होता है, ब्रेक हो जाता है, और इसीलिए आपके ब्लड स्ट्रीम में भी ऐसी सारी चीज़ें चली जाती है जो आइडियली नहीं जानी चाहिए। दैट इज़ बिकॉज ऑफ लीकी गट जिसे हम कहते हैं, या गट लाइनिंग को ब्रेक कर देना। So, ये 5 चीज़ें आप कर सकते हैं। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ध्यान से सुनना। 4 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला, आपको कभी भी छोटी छोटी चीज़ों में दवाइयाँ लेना बंद कर दीजिए। सिर दर्द हुआ दवाई ले ली, बुखार हुआ तुरंत दवाई ले ली। और सबसे डेंजरस अगर कोई चीज़ है ना आपके गट हेल्थ के लिए, सबसे डेंजरस, तो वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जब ज़रूरत नहीं है और आप लेते हैं, ओके, जब ज़रूरत है तब लेना ही पड़ता है, बट जब ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में मैंने देखा है कि लोग है ना, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो जाता है, एंटीबायोटिक्स पर आ जाते हैं। बट एंटीबायोटिक्स आपके अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया को मार देता है आपके बॉडी में, और फिर आपका बॉडी वापस रिकवर करने में इतनी मेहनत करता है, और वो भी तब रिकवर हो पाता है जब आप एंटीबायोटिक्स लेने के बाद प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करें, जो हम नहीं करते हैं। सो एंटीबायोटिक्स कम कर दीजिए, मेडिसिन का डोजेज जब ज़रूरत नहीं है तब नहीं लेना है, बिना प्रिस्क्राइब की हुई दवाई नहीं लेनी है। डायरिया हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, एंटासिड्स लेते रहते हैं या अलग अलग किस्म की दवाई जिसे हम आदत हो चुकी है, फॉरगेट अबाउट इट, बहुत ख़राब असर करता है आपके बॉडी में और गट हेल्थ की, मतलब बहुत सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, विच आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। दूसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग कुछ भी है तो, और वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस जब आप करते हैं आपके बॉडी में कॉर्टिजोल रिलीज होगा, कॉर्टिजोल आपके गट हेल्थ का दुश्मन है, क्योंकि आपका जो गट हेल्थ है ना उसमें जो छोटे छोटे नर्व्स होते हैं वो ब्रेन तक जाते हैं, और वो ब्रेन को हमेशा, उसके साथ कनेक्टेड है, योर गट एंड ब्रेन आर ऑलवेज कनेक्टेड। तो आपने कभी देखा होगा कि जब आपके पेट में दर्द होता है तब आप कभी खुशी नहीं रह पाएंगे, मतलब आपका मूड हमेशा डिप्रेस रहेगा, आप अपसेट रहेंगे, बिकॉज गट हेल्थ आपके ब्रेन को कॉन्स्टेंट सिग्नल देता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके बॉडी में कैसी एनर्जी है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप हमेशा ज्यादातर वक्त छोटे छोटे स्ट्रेस को कम कर पाए, और जितना हो सके जो पसंद है वो सारी चीजें कीजिए। उसी के साथ साथ जो तीसरी चीज आपको हमेशा अवॉइड करनी चाहिए वो है आपको शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, बिल्कुल उसे जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। अब शुगर एक्चुअली हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है ही नहीं कि आप एडेड शुगर ले, बट कुछ लोग इस तरह से लेते हैं कि चलो शुगर फ्री ले लेते हैं। बोथ आर डेंजरस। शुगर फ्री आपके बॉडी को पता ही नहीं होता कि उससे डाइजेस्ट कैसे करे, क्योंकि वो बॉडी के लिए फॉरेन फूड है। तो इस चीज़ों से ज़रूर दूर रहे, हाई शुगर, हाई आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली कोई भी चीज़ है। चौथी और आखिरी चीज़ जिसे आपको दूर रहना चाहिए वो तो इतना डेंजरस है, जो मैंने आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया ना, बस वो उतना ही डैमेज करता है, और वो है अल्कोहल।
अल्कोहल वो जब आपके बॉडी में जाता है ना, ऐसा कहा जाता है कि वो जो डैमेज करता है आपके बॉडी को और गट को और इवन ब्रेन को, वो इरिवर्सिबल है, वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो अल्कोहल से दूर ही रहिए। क्या ज़रूरत है ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को पाने की कि जहाँ हम टेम्पररी अच्छा फील करते हैं और फिर वापस हम जैसे थे वैसे हो जाते हैं या बदतर फील करना शुरू कर देते हैं। तो मेक श्योर कि आप गट हेल्थ का ध्यान रखें और जितना हो सके ऐसी चीज़ों से अवॉइड रहे जो आप पेट को ख़राब करता रहता है, आपके गट हेल्थ को ख़राब करता रहता है। एंड सो ये चीज़ें जो है इसका ध्यान रखिएगा। कुछ भी बताऊँ उससे पहले, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर रही है, तो ये नॉलेज अपने पास सीमित मत रखिए। बिकॉज़ फिट भारत मिशन में हम यही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस तक ये नॉलेज पहुँचे और वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाए। क्योंकि आज कोरोना वायरस हो या कुछ भी हो, सारी चीज़ें शुरू ही गट से होती है, गट हेल्थ से। सो मेक श्योर लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे। और उसी के साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने हेल्थ को और ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, आपके फैमिली के माहौल को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम देखते हैं हर दूसरे तीसरे इंसान को आज कोई ना कोई बीमारी हो रही है, को बुखार हो सकता है या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या कोई ना कोई किस्म की बीमारी, उन सभी लोगों के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। एंड द गुड न्यूज़ इज़ बी योर ओन डॉक्टर। मेरा एक वर्कशॉप जिसका नाम ही है कि आप खुद के डॉक्टर बने, ना कि किसी दवाइयों के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर आप बाहर आधारित रहे ये सोच के कि मुझे ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। बट आई स्ट्रांगली फील कि आपका डॉक्टर आपका बॉडी ही है। आप अपने बॉडी को सबसे बेहतर जानते हैं, कोई सामने वाला इंसान आपको नहीं बता सकता है। टेम्पररी बता सकता है बट परमानेंट तो आप ही है डॉक्टर। और इसीलिए 5वीं और 6ठी सितंबर, 5th and 6th of September, शनिवार और रविवार शाम को 4 से 7:30, टोटल 7 घंटे का वर्कशॉप लेकर मैं आ रही हूँ आपके लिए ऑनलाइन वर्कशॉप में, जहाँ मैं शेयर करूँगी कि कैसे आप 21 दिनों का प्लान फॉलो कर सकते हैं। मिनी हैबिट्स का मेरा कंसेप्ट है, छोटी छोटी आदतें मैं आपको देती हूँ जो आप 21 दिनों तक फॉलो करते हैं। बहुत ही सिंपल सी आदतें जो आपको ऐसा लगेगा अच्छा बस इतना ही करना है, और वो 21 दिन पर फॉलो करने के बाद आपके बॉडी में इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी तो जाता ही है, बट उसी के साथ साथ आप अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपको डायबिटीज़, आर्थराइटिस, PCOD, ब्लड प्रेशर या ऐसी कोई भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है, आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ज़रूर मेरे साथ जुड़ सकते हैं 5th and 6th September को। एंड उसमें मैं आपको है ना बहुत सारे बोनसेस तो देती हूँ, कुछ स्टडी मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कि जहाँ आप एक्सरसाइज अगर मैं करने को बोलूँ तो आप एक्सक्यूज़ देते हैं कि जिम नहीं है, तो मैंने खुद के वीडियोस रिकॉर्ड करके प्रोफेशनल लेवल के वीडियोस, जहाँ बिगिनर और एडवांस लेवल के वीडियोस मैं आपको देती हूँ, होम वर्कआउट वीडियोस, घर पे ही बिना डंबल बिना बारबेल आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और जिम जैसी इफेक्ट बॉडी में कैसे दे सकते हैं, ऐसा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ डाउनलोडेबल फॉर्म में, जो आप कभी भी लाइफ टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो वीडियो मेरे बिगिनर लेवल यानी मेरे मम्मी 50-60 साल उम्र की कोई फीमेल भी कर सके, उतने आसान भी है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करते हैं कोई लड़के, तो लेट से 80-90 किलो का हैवी कोई भी डंबल उठाते हैं तो उनको भी वो मुश्किल लगेगा, उतने एडवांस लेवल के वर्कआउट्स मैंने दिए हुए हैं। उसी के साथ साथ मैं रेसिपी बुक देती हूँ कि किस तरह से आप आपके घर में इजीली कुक कर सकते हैं टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज, और बहुत सारे बोनसेस है। 1 महीने के बाद आपका एक फॉलोअप सेशन होता है जिसमें आपने जो सक्सेस पाया है हेल्थ में वो हम सभी के साथ शेयर करते हैं सक्सेस स्टोरीज एंड और नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बेसिकली आई वॉन्ट कि ये जो पूरा वर्कशॉप है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। अब कुछ लोग मुझे फीस पूछ रहे हैं, बट देखिए फीस जो है ना, मैं मानती हूँ ये फीस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो वैसे तो ये ओरिजिनल टोटल वर्कशॉप जो है वो 13,000 का है, सब कुछ बोनस और रेसिपी बुक और होम वर्कआउट वीडियोस और 7 दिन का वर्कशॉप, 21 डे एक्शन प्लान, सब कुछ मिलाकर 13,000 होता है। बट मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करें, इसीलिए आपके लिए ये सिर्फ और सिर्फ 178980 1780 प्लस 18% GST। सो टोटल GST मिलाकर 2100 रुपये होते हैं। 2100 रुपीज़ में मैं ये प्रोग्राम ऑफर करती हूँ जस्ट बिकॉज मैं चाहती हूँ आप और आपका पूरा परिवार अटेंड करे। और इसमें आप अकेले नहीं करने वाले हैं, रिमेंबर आपके पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे सभी बैठ कर जब अटेंड करेंगे पूरे घर का माहौल आप बदल पाएंगे और हेल्दी
कल्चर क्रिएट कर पाएंगे आपके घर में और आपके आसपास के लोगों में भी, रिलेटिव्स में भी, और फिर इस दुनिया को और देश को हम आगे लेकर जा सकते हैं। बट आई डेफिनेटली रेकमेंड, ज़रूर आपको करना चाहिए अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक लिंक भेजा है कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप ज़रूर वहाँ पर जा सकते हैं। fitbeyourowndoc.fitbharatmission.com ये साइट पर आप जा सकते हैं डायरेक्टली, वहाँ पर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें ज़रूर कॉल भी कर सकते हैं फॉर एनी डाउट्स यू हैव, बट आई स्ट्रांगली फील दैट आप सभी ज़रूर मेरे साथ 5th and 6th September को जुड़ सकते हैं शाम को 4 से 7:30 ऑनलाइन। आप इंडिया में हैं, आउट ऑफ इंडिया है, कहीं पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट रिमेंबर गट हेल्थ, अगर पेट साफ है, अगर पेट हेल्दी है, खुश है, तो आपका पूरा शरीर खुश रहने वाला है। तो लेट मी रिवाइज जो मैंने 9 पॉइंट आपको कहे हैं, 5 पॉइंट ऐसे जो आपको करने चाहिए और 4 पॉइंट ऐसे जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सबसे पहला मैंने बताया था प्रीबायोटिक और फर्मेंटेड चीज़ें लीजिए। प्रीबायोटिक यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कर्ड ले सकते हैं, और फर्मेंटेड चीज़ें जैसे साउथ इंडियन चीज़ें आप इडली डोसा या इवन ढोकला वगैरह जैसी चीज़ें, और होममेड अचार मैंने बताया वो आप लीजिए। दूसरा मैंने कहा फाइबर वाली चीज़ें खाइए, तो फ्रूट सैलेड होल ग्रेन्स खा सकते हैं। तीसरा मैंने कहा इनफ स्लीप क्वालिटी, सो 7 to 8 hours ऑफ क्वालिटी स्लीप। चौथा 150 minutes ऑफ एक्सरसाइज अ वीक, हर हफ्ते में 150 मिनट की एक्सरसाइज होनी ही चाहिए। और पाँचवा आपको स्लोली खाना है। कौन सी चीज़ अवॉइड करनी, सबसे पहली एंटीबायोटिक्स और अननेसेसरी जो दवाई लेते रहते हैं वो, दूसरा स्ट्रेस, तीसरा शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, और सबसे चौथी चीज़ जो अवॉइड करनी है वो है अल्कोहल। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये आसान सी टिप्स कैसी लगी, कौन सी चीज़ें आप आज से फॉलो करने वाले हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।